हाय फ्रेंड्स, लेफ्ट फॉर राइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि आपका जो कीवर्ड है सबसे अलग हो जाएगा, सबसे बेहतर हो जाएगा और देखने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और बहुत ही मज़ेदार ये एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स कि आप देख पा रहे, जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहे कि यहाँ जो मैं कीबोर्ड निकल के रखा हूँ तो आप देख पा रहे कि किस तरह का जो कि है कीबोर्ड यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ जो कि आप बहुत ही तरह से आप यहाँ से इसमें डिजाइन कर सकते हो और आप किस तरह का कलर रखना चाहते हो आप बहुत ही सिंपल में रख सकते हो। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं किसी में भी टच करता हूँ तो उसी में टच एक कलर उत्पादन होता है जो कि आपको यहाँ देखने में बहुत बेहतर ही लुक दे देता है। तो फ्रेंड्स तो देख पाएंगे आपको यहाँ बहुत तरह कीबोर्ड और आपको यहाँ बहुत तरह का मिल जाता है कलर और आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। और आपको अगर इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप को नीचे कमेंट करके भी बता देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो लेट गो स्टार्ट नाउ, चलिए शुरू करते हैं। और बंटाए लोग कैसे हो मेरे भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे ही उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह का आप लोग के सामने इंटरफेस देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ बहुत तरह का कीबोर्ड जो कि है मिल जाता है देखने के लिए। तो फ्रेंड्स चलो मैं किसी एक कीबोर्ड को ले लेता हूँ। चलो मान लो मैं इसी कीबोर्ड को ले लेता हूँ। लेने के बाद आपको यहाँ प्लस पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखना है कि आप यहाँ से कस्टमाइज बहुत तरह का कर सकता है, स्टाइल में भी कर सकते हो। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रोक साइज आप यहाँ से बहुत तरह का कर सकते हो, फुल साइज स्ट्रोक या नॉन आप किस तरह का रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ आप भी एक बार इस एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए और आपका जो कि है मोबाइल का कीबोर्ड जो कि है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ हर एक एक वर्ड पे कलर जो कि है चेंज होते जा रहा है। तो मैं यहाँ दूसरे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो कि है यहाँ पर एक अमेजिंग जो कि है देखने को मिल जाता है बहुत। आप इसी एप्लीकेशन की मदद से आप अपने कीबोर्ड को जो कि है बहुत तरह का जो कि है बना सकते हैं और हेल्पफुल और बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और आप यहां से सीधा डायरेक्ट मार्क लगा के आप यहां पर लिख सकते हैं। देख पाएंगे कि इस तरह का जो कि है मार्क लगा सकते हैं और आपको जो कि है यहां पर कलर वलर मिल जाता है और आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं यहां आपको प्लस पे क्लिक करना है और आप अपने मन चॉइस का जो कि है आपको कलर यहां रख लेना है। और फिर से आपको कीबोर्ड पे ट्राई पे एक बार क्लिक करना है तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जो कि है आपको जो कि अभी सादा हो रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरह का आप जो कि यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको सबसे बेहतर अच्छा होगा ये वाला जो है कस्टम यूआरएल इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किसी भी एक इसमें टच करके रेड कर देना है, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर और एक सेव आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं अब देखता हूँ कि मेरा जो कीबोर्ड है किस तरह का देखने का मिल जाता है। तो मैं सिंपली किसी गूगल को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद मैं यहाँ कीबोर्ड को ओपन करता हूँ तो देख पाएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है मेरा कीबोर्ड जो है इस तरह का देखने को मिल जाता है। ये देख पाएंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है एक रेड तरह का एक जो कि है कलर जो कि है ऑटोमेटिकली ही ओपन होता है और देखने का बहुत ही लुक मिल जाता है। तो यहाँ आप जिस किसी भी वर्ड आप लिखेंगे तो हर वर्ड में से जो कि है अलग तरह का जो कि है कलर निकलेगा। तो फ्रेंड्स और आपको जो कि है यहाँ पर जो कि आपको बहुत तरह का इमोजी और मिल जाता है। सिंपली इसमें एक इमोजी पे टच करके रखना है और आपको इमोजी में जाना है। यहाँ आपको इमोजी की जो कि है इसकी तरफ से बहुत तरह का जो कि है आपको इमोजी यहाँ देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर GIF भी मिल जाता है जो कि आप जो कि यहाँ से GIF लगा सकते हैं और भेज सकते हैं और WhatsApp में भी आप आसानी से लगा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली जाके डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट भी कर देना। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।